दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज केंद्र सरकार से दो वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद कहा कि दिल्ली में 3 लाख स्वास्थ्य कर्मी और 6 लाख फ्रंटलाइन कर्मी हैं, जिन्हें सबसे पहले COVID-19 वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वैक्सीन देने की अनुमति मिल गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, ये दो वैक्सीन है जिसकी अनुमति DCGI से मिल गई है। ये कितना बड़ी अभी अभी पता लगा है कि भारत बायोटेक और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दोनों को वैक्सीन की इमरजेंसी यूज करने के लिए परमिशन मिल गई है। दिल्ली सरकार की ओर से तैयारियां चल रही हैं। इसका जो प्रोटोकॉल रहेगा, सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो नंबर 1 पर होगा, देन फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसके बाद जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनका किया जाएगा। अभी फर्स्ट फेज के अंदर जो सबसे पहले जिसकी तैयारी की गई है, फर्स्ट फेज के अंदर हेल्थ वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा। सर, कल केंद्र मंत्री का भी बयान आया था कि जो फर्स्ट फेज में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर को फ्री वैक्सीन दिया जाएगा। इस बजट में बताया ना कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स, दिल्ली के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स लगभग 3 लाख हैं और 6 लाख के आसपास जो हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तो सबसे पहले 9 लाख लोगों को लगाई जाएगी, उसके बाद जो है 50 साल से ऊपर वाले और 50 साल से नीचे जो कोमोर्बिड है उनके लिए। सर, अब स्थिति सामान्य है तो जो कोविड सेंटर्स बने हुए थे एक बंद किया गया, उसके बाद की कैसे उनकी तैयारियां हैं? देखिए, हमने 3-4 दिन पहले दिल्ली के अंदर डी एस्केलेशन किया था, जिसके अंदर जो हॉस्पिटल बेड्स हैं, कुछ दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स भी 2-2.5 हज़ार कम किए गए हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी 5 या 6 हज़ार बेड्स को कम किया गया है। अभी भी जो ऑक्यूपेंसी है वो 2000 से भी कम है। कम करने के पहले हमारे पास 18,800 के करीब बेड थे, अभी पूरी तरह से कम होने के बाद भी 10.5-11 हज़ार रहेंगे। इसको अगले हफ्ते फिर से रिव्यू किया जाएगा। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तों नू पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।